हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, एड्रॉइड क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं HCF टॉपिक। इससे पहले हमने LCM डिस्कस किया था और काफ़ी अच्छे सवाल भी किए थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज HCF करने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज करें मुझे 12 और 16, इसका मुझे HCF फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो मुझे 12 और 16 का HCF अगर फाइंड करना है तो इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मेथड आता है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में आपने क्या करना है, आपने स्मॉलर नंबर से ग्रेटर वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 12 पे कट होगा, रिमाइंडर 4। देन हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहले जो डिवाइजर हुआ करता था, अब वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। देन हम इससे डिवाइड करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 12 पे कैंसिल आउट। एंड जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 होगा, आप कहेंगे कि भाई आपका HCF 4 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये एक डिवीज़न मेथड है। ठीक, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें आप फैक्टर करते हैं, यानी कि 12 के प्राइम फैक्टर। तो आप अगर 12 के फैक्टर करते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 2 इंटू 3, और अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। 16 की अगर मैं बात करूं तो आप 16 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में अगर ब्रेक करते हैं तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 कितनी बार है 4 बार। तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब मुझे इन दोनों में HCF देखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार और यहाँ पे 4 बार। तो दोनों में जो कॉमन हुआ, यानी कि कॉमन वाली पोर्शन की बात करूँ तो 2 कितनी बार है 2 बार। उसके बाद 3 आपका 12 वाले फैक्टर में तो है, बट आपके 16 वाले फैक्टर में नहीं है। तो आप 3 को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 4 आपका यहाँ पे HCF बन जाएगा। आई होप दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। थर्ड मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस मेथड। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी मेथड। तो डिफरेंस मेथड में आपने क्या करना है? तो दोस्तों, तो जैसे कि सपोज करें आप 12 और 16 का HCF फाइंड कर रहे हैं, तो आप इन दोनों का गैप देखेंगे, यानी कि इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 4। कभी भी HCF इस डिफरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि 12 और 16 का जो HCF आएगा वो कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगा। या तो आपका HCF 4 होगा या 4 का ही कोई फैक्टर आपका HCF बन सकता है। तो दोस्तों, हमने इन दोनों का गैप लिया 4। क्या 4 इस 12 को डिवाइड कर पा रहा है? यस, 16 को भी डिवाइड कर रहा है। देन आप कह सकते हैं कि आपका जो HCF आएगा वो 4 आएगा। वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, हालांकि आपने किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे फिक्स नहीं हो जाना। आप क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जवाब देना है, अपना मेथड सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से भी करेंगे, कुछ में हम नॉर्मल मेथड्स भी यूज़ करेंगे। तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या क्या फॉलो करना है, ये आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं ये बातें। तो चलिए, हम ये एक मेथड था जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया और उसके बाद ये 3 मेथड से कैसे HCF निकालते हैं ये हमने सीखा। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। तो ये डिस्कस करते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने 3 नंबर हैं, 10 15 एंड 25। तो 3 नंबर है और मुझे इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो क्या HCF होगा, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे क्लोज जो नंबर है वो है 10 और 15, यानी कि 5। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो HCF होगा वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर आंसर जो होगा वो 5 का ही कोई फैक्टर होगा। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें 5 आपके सामने मेंशन है, यानी कि 5 ही आपका HCF कहलाएगा। एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। आपने गैप लिया, उस गैप से तो वही हमारे ऑप्शन में था, तो आप कह सकते हैं कि भाई यही हमारा आंसर होगा। हालांकि 5 से छोटा 2 है, बट 2 एक 5 का फैक्टर नहीं होता। तो आप कहेंगे कि भाई 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों 12, 20 और 10, तो मैं देखूं तो सबसे क्लोजेस्ट जो नंबर है वो है 10 और 12, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो यहां से कंफर्म हो जाती है बात कि एचसीएफ मेरा 2 या 2 का ही कोई फैक्टर होगा। ऑप्शन में हमारे पास 2 गिवन है, यही हमारा आंसर है, सिंपल। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं दोस्तों, फिलहाल हम इनकी चर्चा करेंगे, फिर कुछ अच्छे सवाल भी डिस्कस करेंगे। 29 की बात करते हैं हम, 45, 30 एंड 60, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो अगर हम देखें तो सबसे क्लोज ये दो नंबर है, इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो आपका आ रहा है 15 आ रहा है। तो दोस्तों या तो मेरा एचसीएफ 15 होगा या फिर कोई 15 का फैक्टर होगा। तो अगर आप देखते हैं तो 10 तो हो नहीं सकता, 45 भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये 15 मतलब 15 का कोई फैक्टर नहीं है, ये तो 15 के मल्टीपल है। 35 भी नहीं हो सकता बिकॉज 15 का फैक्टर, 15 से तो छोटा ही आना है, यानी कि 45 एंड 35 ये तो दोनों वैसे ही रिजेक्ट। 10 को हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये 15 का कोई फैक्टर नहीं बनता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 5, और यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। हालांकि इसका जो एचसीएफ आएगा, एक्चुअल अगर हम बात करें तो एचसीएफ तो 15 है, बट आपने अपना जवाब तो बाई ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 5 ही इसका करेक्ट आंसर बनता था, इसलिए आप 5 मार्क करेंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर जो है वो 15 होगा। बट आप ऑप्शन से ऊपर नहीं जा सकते, आपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही अपना जवाब देना है। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, 120 और 400, और आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। ओहो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो 120 एंड 450, ये आपने बताना है कि क्या होगा इसका जवाब। चलिए 120, यानी कि दोस्तों इनमें से जो छोटा नंबर है दैट इज 120, एचसीएफ कभी भी 120 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो यानी कि जो दो नंबर गिवन है एचसीएफ इनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो 150 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और दूसरी बात 120 अगर मान लो सपोज हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो 120 भाई 450 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपका ऑप्शन ए भी गलत है। उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी 120 को 50 डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। ये हमने बाय ऑप्शन सॉल्व किया है, यहाँ पे आप डिफरेंस मेथड यूज नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ रही होगी बातें कि डिफरेंस मेथड इसलिए यूज नहीं करेंगे आप क्योंकि भाई गैप काफी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ही अप्लाई कर लेंगे या बाय ऑप्शन कर लेंगे। समझ में आती है बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, और ये आपके सामने आ गए फ्रैक्शन में क्वेश्चंस। फ्रैक्शन में आपने क्या करना है, तो जब भी कभी आपके सामने फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा तो आप एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपके सामने एग्जांपल है 2/3, 4/9 एंड 8/5, तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो दोस्तों 2, 4 और 8 इसका एचसीएफ क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो 2 एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि 1 से भी डिवाइड होते हैं बट हमें तो ग्रेटेस्ट लेना होता है, तो 2 इन तीनों को डिवाइड करता है। डिनोमिनेटर की बात करें तो हमें 3, 9 एंड 5 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 3, 9 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं तीनों का एलसीएम 45, इन तीनों में बात करें तो भाई आपका 45 आ रहा है, बिकॉज एलसीएम निकालना हमने सीख रखा है पहले भी। आप चाहें तो इस 3 को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी 9 के अंदर मौजूद है, तो 9 और 5 के आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 45 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2/45 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ रही होंगी बातें, चलते हैं आगे 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, 1/4,
वन बाई टू एंड थ्री बाई टू। अब फिर से वही सवाल फ्रैक्शन का है, एचसीएफ निकालना। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी निश्चिंत होकर इसे सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। हालांकि ये सवाल वाकई काफ़ी आसान है, तो आपको लग सकता है कि भाई काफ़ी तुच्छे सवाल हैं, बट कहीं ना कहीं सीखने के लिए ज़रूरी है। तो वन वन और थ्री का एच सी एफ लेना है आपने। तो भाई जहाँ पे वन आ गया तो बस बात ख़त्म होती है, एच सी एफ वहाँ पे वन ही हो जाता है। डिनोमिनेटर वालों का मुझे एलसीएम लेना है, यानी कि फोर टू टू, इसमें भाई क्या है, एलसीएम क्या आएगा, तो चार दो और दो का एलसीएम कितना हो जाएगा, फोर, यानी कि वन बाई फोर आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उधर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं 33 पे। तो आप देंगे इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि 5 बाई 8, 3 बाई 4 एंड 3 बाई 2, इसका मुझे बताना है कि एच सी एफ क्या होगा। 5 बाई 8, 3 बाई 4 एंड 3 बाई 2, इसका एच सी एफ क्या होगा। तो दोस्तों 5, 3 एंड 3 इनमें कॉमन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं भाई इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे कि एच सी एफ हो जाएगा यहाँ पे 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एच सी एफ 1 ही काउंट किया जाएगा। एलसीएम की बात करें तो 8, 4 एंड 2, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं भाई एलसीएम तो 8 ही होगा, यानी कि 1 बाई 8 आपका आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पे आप मार्क करेंगे। उसके बाद बात करते हैं भाई 34 की। 34 की अगर हम बात करें तो 2 बाई 3, 4 बाई 5 एंड 6 बाई 7, इसका मुझे एच सी एफ बताना है। तो चलिए 2, 4 एंड 6 में कॉमन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है दो से ही ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर है इनका मुझे क्या लेना है, एलसीएम। 3, 5, 7 तीनों ही आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखते, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई को ही आप एलसीएम बताएंगे, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो इनकी मल्टीप्लाई आएगी, यानी कि 2 अपॉन 105, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 35 पे। पॉइंट्स में ये क्वेश्चन है, 1.2, 1.5 एंड 2.5। तो भाई ये पॉइंट डेसिमल में दिया हुआ है, आपने इसका एच सी एफ बताना है। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले चाहें तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की तरह ट्रीटमेंट हो जाएगा, 12, 15 और 25। तो दोस्तों 12, 15 और 25 इसका मुझे बताना है क्या एच सी एफ, इनमें क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बता पाएंगे भाई। अगर हम देखें तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 3। हालांकि अब इन दोनों का गैप है 3, तो मेरा एच सी एफ या तो 3 होगा या 3 का कोई फैक्टर होगा, बट 3 से 25 डिवाइड नहीं हो रहा और 3 का कोई फैक्टर भी नहीं होता, तो आप कह सकते हैं जब 3 का फैक्टर नहीं हो रहा तो हमारा एच सी एफ जो होगा वो 1 कहलाएगा। तो ये आपका एच सी एफ आ गया 1, और 10, 10 और 10 इनका एलसीएम जो होगा वो 10 होगा, कुल मिला के आप कह सकते हैं 0.1 आपका आंसर है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें। अगला क्वेश्चन है 36 की तरफ बढ़ते हैं, 2.4 एंड 0.8 का एच सी एफ, तो आप इसे लिख सकते हैं 24/10 और 8/10। 8 और 24 का एच सी एफ लिखेंगे तो आप कहेंगे भाई 8 आ जाएगा, और 10 और 10 का एलसीएम जो है 10 आ जाएगा, कुल मिला के आपका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? 37 पे आते हैं, 1.25 एंड 0.15। तो
दोस्तों मुझे इसमें बताना है कि क्या एचसीएफ आएगा। फिर से वही तरीका, 125 बटे 100 लिख सकते हैं आप इसे, और 15 बटे 100 लिख सकते हैं। तो 15 और 125 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? इतनी बात तो कंफर्म है कि जब आप 125 और 15 का एचसीएफ लेंगे तो 15 से बड़ा तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब 15 की टेबल में 125 तो आता नहीं, तो आप 15 को एचसीएफ नहीं बोल सकते। तो हमने 15 का जो फैक्टर किया वो किया 5, 5 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कहें कि भाई एचसीएफ तो आ गया आपका यहाँ पे 5। और 100 और 100 का एलसीएम वो क्या हो जाएगा, 100, 5/100 का मतलब है 0.05, ये आपका आंसर कहलाएगा। आई होप दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप। आपको कोई भी डाउट आता है इन केस तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपने क्या करना है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पी यहाँ पे 3 बार है और 3 10 बार है, 5 1 बार है। यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाईज है, कुछ इस प्रकार से ये नंबर गिवन है। मुझे इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो आपने वो नंबर पिक करने हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो आप 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। 3 यहाँ पे कितनी बार है, 10 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो आप यहाँ पे 1 बार कॉमन लेंगे। 5 भाई यहाँ तो है बट क्यू में नहीं है, तो आप 5 नहीं ले सकते। 7 की बात करें तो 7 भाई यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, तो आप 7 भी नहीं ले सकते। यानी कि यही आपका आंसर है। आप कह सकते हैं बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक बातें। 39 पे आते हैं। तो 39 में आपने क्या करना है, चलते हैं 39। तो ये है नेक्स्ट टाइप, रिमाइंडर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि थ्योरी टाइप क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या करना है आपने, इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 200 एंड 320 को डिवाइड कर दे। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर चारों ऑप्शन में क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो पहले हम 40 ही पिक कर लेते हैं। भाई 40 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। क्या 320 भी डिवाइड हो रहा है 40 से, बिल्कुल हो रहा है। दैट्स खत्म क्वेश्चन भाई, 40 आपका आंसर। इसने ये तो कहा था सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो हमने भाई 4 ऑप्शन में बड़ा नंबर देख लिया 40, उससे दोनों डिविजिबल हो रहे थे, तो आपका 40 आंसर। खत्म सवाल, इतना सा काम करना था आपने। ओहो, ये बार बार ऊपर भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसने कहा है कि भाई 390, 495 एंड 300, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं इन तीनों को डिवाइड करूं तो कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ऑप्शन आपके सामने है 5, 15, 25, 35, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे क्लोज ये दोनों नंबर है, 390 और 300, इनका गैप कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई 90 आ रहा है। तो जो मेरा आंसर होगा वो 90 या 90 का ही कोई फैक्टर होगा। ओके, 35 की टेबल में 90 नहीं आता तो गलत, 25 की टेबल में 90 नहीं आता तो ये भी गलत। अब 15 की टेबल में 90 आता है तो भाई ये मेरा आंसर बन सकता है। डिवाइड करके देखेंगे 15 से इसको, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। 15 की टेबल में ये देखता हूँ तो ये भी 33 पे कैंसिल हो रहा है, ये भी डिविजिबल है, और 300 भी डिविजिबल है। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 नहीं लेंगे आप, 15 लेंगे यहाँ पे। क्लियर दोस्तों। 41, क्वेश्चन नंबर 41 चलते जाओ। 110, इसने कहा कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं 110 को या फिर 128 को डिवाइड करूं तो इन बोथ केस मेरा रिमाइंडर 2 आना चाहिए। मतलब 110 को डिवाइड करूं या 128 को तो मेरा रिमाइंडर 2 आना चाहिए।
भाई 110 को डिवाइड करने पे 2 बच रहा है, तो हम एक काम करते हैं 2 यहाँ से माइनस कर देते हैं, ये रह गया 108। यानी कि अगर 110 को डिवाइड करने पे 2 बच रहा है तो 108 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ से भी हमने 2 माइनस कर लिया, यानी कि ये नंबर रह गया 126। तो अब आप अपने ऑप्शन में जाओगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे 108 और 126 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो आप इन दोनों का गैप देख लीजिए कितना आ रहा है, गैप 18, और हमारे ऑप्शन में 18 एक ही है, यही हमारा आंसर है, खत्म। ये काम आपने करना था भाई। वैसे तो 8 इससे छोटा है, लेकिन क्या 18 का मल्टीपल सॉरी फैक्टर है? नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 ही आपका आंसर है। 28 एंड 30 क्योंकि 18 से ज्यादा है इसलिए कैंसिल आउट हो गए। समझ पा रहे हैं दोस्तों? 42, क्वेश्चन नंबर 42। ओके, इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं 25 से डिवाइड करूं या 73 से करूं, सॉरी कौन सा नंबर है जिससे मैं 25 को डिवाइड करूं या 73 को करूं या 97 को करूं, रिमाइंडर इक्वल आना चाहिए। अब दोस्तों इन्होंने एक बात कह दी कि रिमाइंडर इक्वल आना चाहिए, हालांकि बताया तो है नहीं इन्होंने कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिफरेंस मेथड यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। हालांकि आप अपने बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आप सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 24, आप पिक करेंगे और डिवाइड करेंगे। अगर मैं 25 को 24 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। 73 को डिवाइड कर रहा हूँ तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, और अगर आप 97 को डिवाइड कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, खत्म। 24 आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें। समझ पा रहे होंगे? या फिर अगर आपने लगता है कि नहीं मुझे तो डिफरेंस मेथड से ही करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंस मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है, या फिर आप ये नियर बाई हैं इनका गैप ले लीजिए, तो इनका गैप आ रहा है 24, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो या तो 24 होगा या 24 का कोई फैक्टर होगा। यानी कि 23 भाई इसका कोई फैक्टर नहीं होता, कैंसिल हो गया, 21 भी नहीं हो सकता। 24 से मैं इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करके देख लूंगा, रिमाइंडर इक्वल आ रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आपको ये मेथड? आई होप काफी अच्छे हैं, समझ में आ रहा होगा। 43 पे आते हैं। 43 में आपने क्या करना है? इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है भाई, 729 को करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 9, और 901 को करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। तो ये आपने बताना है। तो भाई जब भी रिमाइंडर वो बताते हैं तो आप रिमाइंडर माइनस कर दोगे, यानी कि आप कहोगे कि भाई ये तो 720 रहेगा और ये वैल्यू रहेगी 896, ठीक है। यानी कि ये आपके पास वैल्यू आ गई, हमने रिमाइंडर हटा दिया, यानी कि अब जो नंबर आए हैं दोनों 720 एंड 896 ये कम्प्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। अब इन दोनों के बीच में हम गैप देखते हैं, गैप कितने का है। तो अगर आप गैप देखते हैं तो भाई आप देख पा रहे हैं कि गैप की वैल्यू तो आ रही है 176, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 176 या उसका ही कोई फैक्टर होगा। तो 20 तो भाई 176 का फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन गलत है। 19 जो है वो 176 का फैक्टर नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। और 15 भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 15 की टेबल में या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, और इसके पीछे तो एक इवन नंबर है, यानी सॉरी मतलब 0 के अलावा कुछ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, 16। क्लियर है दोस्तों? अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका 44। तो कह रहा है भाई कौन सा नंबर है जिसमें मैं 307 को डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर बच जाए, और 330 को करूं तो भाई 7 रिमाइंडर बच जाए। तो भाई इन दोनों रिमाइंडर्स को माइनस कर दोगे आप, ताकि जो नंबर आ जाएंगे वो हमारे पास कंप्लीट डिविजिबिलिटी वाले आ गए, कंप्लीट डिविजिबल होंगे। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों में गैप लेना है, दोनों का गैप आ रहा है 19, या तो मेरा आंसर 19 होगा या फिर 19 का कोई फैक्टर होगा, बट ऑप्शन में एक ही और 19 है, और 19 एक प्राइम नंबर है तो फैक्टर तो भाई होंगे नहीं, या तो 1 होगा या कुछ 19, और ऑप्शन में आपके पास 19 ही है, यही आपका आंसर। थोड़ी सी रफ्तार आज ज्यादा है, बट क्वेश्चन भी तो काफी आसान से हैं।
इसलिए हम थोड़ी सी स्पीडली ही सवालों को डील कर रहे हैं। इसमें रिमाइंडर क्या बोला भाई इन्होंने, 6, इसमें रिमाइंडर बोला 5, दोनों में गैप निकालते हैं, ये तो 1651 आ गया, 2032 आ गया, दोनों में गैप कितने का है? तो आप कहेंगे भाई दोनों में जो गैप आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1657 और 2037। तो भाई 1651 और 2000, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम गैप निकालते हैं तो ये आपका गैप आ रहा है 381 का, ठीक है, 381, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो या तो 381 होगा या 381 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं क्या 305 इसका फैक्टर हो सकता है? भाई 381 के इतने नज़दीक है, या तो 305 है इसका कोई टेबल अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं 610 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, 610 आएगी, बट ये तो 381 है, ये हो नहीं सकता। 235 की टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो 470 आएगा, पर ये तो 381 आना चाहिए था इसलिए गलत है। 133 की टेबल देखता हूँ तो भाई 266 आएगा या फिर 399 आएगा, पर यहाँ तो 381 है इसलिए ये भी गलत है। तो भाई बचा गया हमारे पास 127, ये हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों, इतना काम आपने करना था। तो दोस्तों 46 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बेहद ही आसान सा सवाल जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इससे अगला क्वेश्चन जो है, भी आपके लिए होमवर्क है, देख लेंगे, 47 भी आपके लिए होमवर्क है, आपको से ट्राई करेंगे इसे, क्योंकि काफी आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई खास नीड नहीं पड़ने वाली। उसके बाद है 48, तो दोस्तों जो आप काफी इजीली कर सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे सो दैट आपको एक अपडेट मिलती रहे और बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।